स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल मार्वेलर्स पे। मैं प्रिंस आपका होस्ट, और पटना में बन रहे नए रिंग रोड का आज हम लोग पूरे अच्छे से एक मुआयना करेंगे। आप पीछे मेरे देख सकते हैं सभ्यता द्वार है, और इसके पीछे ये जो सेक्शन है इसके पीछे का कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट होने में 2 साल लगेगा। और यहाँ से इस पॉइंट से और दिघा तक ये रोड क्लियर है, तो चलिए आज इसका अच्छे से मुआयना करते हैं। ये मेरे पुराने मित्र हैं, सब उत्सव नाम है इनका। हाय बोलिए। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रोड है ये गोलघर से कनेक्ट होने वाला है रिंग रोड को, और फिर आप इस रिंग रोड का मज़ा ले सकेंगे। ये आपको सामने जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये गोलघर हो गया, ये बिस्कोमान हो गया, और ये सभ्यता द्वार हो गया। चलिए अब रोड का मज़ा लेते हैं। दोस्तों आपने देखा रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और रिंग रोड ज़्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि शाम में यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अपना शाम बिताने के लिए। और है भी ये रोड काफ़ी खूबसूरत, क्योंकि डेवलपिंग पटना है तो हमारे लिए हर वो रोड जो नई नई बन रही हो वो खूबसूरत ही होती है। तो और भी एक खूबसूरत है यहाँ, इस रिंग रोड के बनने से पहले यहाँ की जो खूबसूरती थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली में दोस्तों ये जेपी सेतु है, और ये जो गंगा का किनारा है, दियर वाला एरिया है रिवर साइड, ये इसे और खूबसूरत बनाता है। सफ़र का मज़ा रास्तों में ही आता है, बिल्कुल ही सीधी ये रोड बन रही है गांधी मैदान से लेकर और दिघा तक। चलते हैं दिघा की ओर भी, इस रोड का एंड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सामने गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत अच्छी हवा आती है, और साथ ही साथ क्या ही बताना है, यहाँ के दीघा के नज़ारे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, मन मोह लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आपने गंगा का लोकेशन तो देख ही लिया, अब आप शहर में कैसे एंटर करेंगे? इस रोड से हर कुछ दूरी पर लेफ्ट साइड में एक रास्ता बनाया गया है जो आपको शहर की ओर लेके जाएगी। ये शहर होने वाला है पटना का। हर कुछ दूरी पे इस रोड पे जब आप ट्रैवल करेंगे तो डिवाइडर के थ्रू आप शहर में इंटर कर सकते हैं। अगर आपको शहर में नहीं जाना है तो इसी रोड के थ्रू आप बाहर ही बाहर, पटना के बाहर जा सकते हैं, जहाँ भी आपको जाना हो।
और वीडियो कैसा लगा आपको इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। लाइक तो करना ही करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ही शहर है और अपने ही शहर के लोग हैं, तो जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।